कोई मौलवी साहब ले आओ, बड़े बड़े मुल्ला को ले आओ, अच्छे अच्छे आलिम को ले आओ, बड़े बड़े सीने फैलाते हैं कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैं पूछता हूँ, अरे हुसैन की बात छोड़, मेरे हुसैन की बात छोड़, हुसैन के बेटे 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 के बेटे। हमारी चारों की धड़कन हिंदुस्तान की एक सांस उन्हें सलाम करती है। सुभान अल्लाह। ये बताओ, बड़े हाथ के
पूरी दुनिया में जो तूफान उठा हुआ वहां में आ गए तू द्वारा करने की वजह से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे एक बात बताओ, अदरक की खानका है, अदरक की खानका है और भी बहुत सारी खानका है, अरे पूरी का बच्चों सुनो, आए 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 आज आपसे कोई सवाल करेंगे आजा साहब के, आजा साहब के यहाँ एक जगह का नाम है जन्नत की दरवाजा, बाबा फरीद चंदे शकर के यहाँ भी है जन्नत की दरवाजा और हमारे मखदूम साहब के पीर के यहाँ अलाउद्दीन गंजेवाल के यहाँ भी है जन्नत की दरवाजा। सुभान अल्लाह। आप से ये पूछे कि आप इसके अंदर क्यों जाते हो तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसमें जाते हैं इसके अंदर तो जाएगा जन्नत हो जाएगा, यही तो जाहिर लोग कहते हैं, यही कहते हैं ना भाई जन्नत दरवाजा के अंदर काफी होंगे घूमेंगे जन्नत हो जाएंगे। आपसे कोई मुनि साहब पूछेगा जिसका पायजामा छोटा होगा कुत्ता बड़ा होगा क्या जवाब दोगे, आप क्या जवाब दोगे, आपको कहेगा ए ऐसी दुनिया में पड़े ना कुरान में इसका तस्करा है ना हदीस में तस्करा है, भाई जन्नती दरवाजा उस वक्त बना जबकि हदीस आ चुकी थी कुरान आ चुका था तो तस्करा कैसे होता, अब जवाब कैसे होगा, आप ऐसे से पूजा होगे उसके बाद वो आपको पूजाएगा ना पूरा पूजा कर दीमा आत्मा कर आए ना, मगर उनसे पूछो कि घर आओ बाबुआ भाई साहब घर आओ सुलह का हाथ पढ़े हो, हाँ रोजाना धरना तिलावत करते हैं, तिलावत करते हैं रूह है तिलावत नहीं है क्योंकि कुरान की रूह का नाम हुसैन बेशक नमाज की रूह का नाम हुसैन बेशक सलात की रूह का नाम हुसैन हज की रूह का नाम हुसैन क्योंकि हुसैन है दीन, नुक्ते पर बहुत पीछेगा हुसैन है दीन और नमाज दीन में वाह 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 अकेली नमाज दीन नहीं है, अकेली नमाज दीन का एक हिस्सा है दीन का एक पिलर दीन का, तो नमाज दीन में रोजा दीन में हज दीन में सदा दीन में हुसैन पूरा दिन हुसैन, तो गोया के हुसैन ही ना नमाज हुसैन ही ना रोजा हुसैन ही ना सदा हुसैन ही ना हज हुसैन ही ना जाके वालदैन हुसैन ही ना हजारे खैर बल्कि सुभान अल्लाह एक मौलवी साहब बोले क्या लोग क्या के हुसैन बहुत मनाते हैं, मैंने कहा जिसने क्या के हुसैन नहीं मनाया मिलाद का कोई फायदा, मैं बोल रहा हूँ दलील के साथ मिलाद का कोई फायदा नहीं चूंकि हुसैन दीन है बेशक हुसैन दीन है, जब भी करके हुसैन को राजी नहीं कर सकते जब तक के हुसैन का तस्करा ना करो, सुभान अल्लाह मेरे दोस्त से पूछो ए हुसैन राजी करोगे हो तो मैं जब मेरे हुसैन जैसे करीम का नाम लिया जाता है तो मैं हुसैन करता हूँ मौला मेरे नाम आम में जेबी तुमने भारत दिए उन सब का नाम उसे देते जिनके दीन में हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात है, आप तस्करा करके होते हैं इनको छोड़ देते हैं बड़े बड़े जलसे होते ना बेशक होते हैं ना मगर याद है हुसैन को कम किया जा रहा ये काम करना तो साहब यजीदियों का काम था हुसैनियों का काम नहीं है, हुसैनियों का काम है कि कई कई में हुसैन किया बेशक घर घर में हुसैन किया ए हुसैन आए आए एक लफ्ज याद आ गया पॉइंट याद आए बोलू इरशाद कुरान किससे शुरू होता किससे खत्म होता है, रसूल ने हुसैन को कुरान कहा बेशक नबी ने मुस्लिमों बुखारी की हदीस से इसको कहा है, किसी बाप का या माँ का
جب بیٹے کا نام خطبہ جمعہ میں نہیں ہوتا ہے سوائے نبی کے بیٹے حسین کے، نبی کے بیٹے حسین کے کسی اور کا نام لینا جمعہ کی ہو رہا ہے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کو چھوڑ دو تو زندگی چھوٹ جائے، حسین ہی پل ہے، کل کائنات کا نام حسین، اور جتنے مزار پر آپ جا رہے ہو وہ سب حسین کیا تھا۔ بے شک اگر وہ نہ ہوتے تو فوزی اعظم کو پاتے نہیں، غریب نواز کو نہ پاتے نہیں، یہ سارے اولیاء کا یہ جو سارے اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتا تو کتا
सही होता है ना, होता है ना, मगर कुत्ता जब अल्लाह वालों के मजाक से लग जाता तो वो कुत्ता ही होता जन्नती हो जाता। मैंने मौलवी साहब को बुलाया, तो जो चाहता हूँ मौलवी साहब को बुलाया। अब बुलाने के बाद मैंने कहा तू है कहा में ये है कि असहाबे कहाब के साथ पास जो कुत्ता था, असहाबे कहाब के पास जो कुत्ता था वो कुत्ता तो 300 साल से नहीं था, बल्कि असहाबे कहाब को गार में जाते हुए देखा जालिम बादशाह तकयानूस की वजह से, तो वो आकर गार के पास बैठा। क्यों बैठा? कि किसी भी किसी को भी अंदर जाने नहीं अंदर सुना आपने क्या बोला, किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। क्या वो कुत्ता हजारों को रोक लेगा? मगर उसकी है अकीदत। देखो उसने कहा अगर कोई जाए तो मैं अपने पहले कुरान में अब्दुल्ला की बैठ गया। रब तआला को ताला ने 300 साल सारे खाते सुनाया, कितने साल? 300 साल। और वो कुत्ता भी 300 साल सो जाना। 300 साल वाला कुत्ता 100 साल में हजरत जिब्रील आते और उसको करवट बदलते। वाह, उसको बदलते। आज की बात नहीं है, पुराने पाक की आयत करीमा है। जिब्रील पलटते मेरा दिमाग तो एकदम अजीब गरीब हो गया। जब मैंने तस्वीर पढ़ा तो मैं ये सोचने लगा जिब्रील तो सारे सहाबा से ज्यादा उत्तर, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा उत्तर विचार पुरुष। ये पलटते और कहते जो तेरा नाम ले लेगा वो दुनिया के आवरणों से बच जाए। अब मेरी मिसाल सुनिए, एक कुत्ता कनेक्टर वाले ये है कनेक्टर के सामने वो भी आता है। अल्लाह करे उसके सबके दुखैल आपको सबको बख्श। आमीन। राय टूटो वालों, एक कुत्ता एक नेक लोगों के लिए अकीदत से बैठ जाए, उसका नाम ले ले तो दुनिया की आफतों से बच जाए। हुसैन तो नबी की हुसैन तो नबी का खून है। अच्छा हुसैन नबी का खून ही नहीं बल्कि मुस्तफा ने एक मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा हुक्म में हुसैन को लगे हुसैन को चूमा है और फरमाया हुसैन जिसने तुझे देखा उसने मुझे देखा और जिसने मुझे देखा उसने रखी कर रोके इकती कदम उसके आगे और पीछे गुना माफ हो जाएंगे। अरे जब उस कुत्ते का हाल ये है कि नाम ले ले तो भला दूर हो जाए, हुसैन का नाम ले ले तो कब्र की आग खाता दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और बात बताएं, ये तो हो गया। जब 300 साल के बाद ये सातों भाई उठे ना, उनके पास पुराना सिक्का क्या था? पुराना सिक्का उस जमाने के बादशाह। आजकल देखते हैं नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी भी हो रही है, पता नहीं कौन कौन बंदी होती रही है आप लोग देखते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों में ना कोई बंदी थी ना बंदी है ना बंदी है। हमको अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है और हुसैन है हुसैनी है तो एक ही हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही मस्जिद है और एक ही नबी मुहम्मद हमारा एक ऐसा है कि नाम ले अल्हम्दुलिल्लाह तो करोड़ों चूने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह। ऐसा किसी में नहीं है, ना था ना है ना होगा है ना। मैंने बोला है मैंने तो अच्छा ये बताइए जब वो 300 साल के बाद उठे, तो 300 साल के बाद उठे तो क्या किया? अपने एक भाई को एक पुराना सा सिक्का दिया, आ जाओ मार्केट से खाना लेकर आओ। क्या लेकर आओ? खाना लेकर आओ। सिक्का दिया खाना लेकर आओ। जब उस खाना लाने के गए तो जाहिर सी बात है मार्केट में वो सिक्का चलता नहीं था। हलवाई ने कैसे देखा? देखते 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 समझ समझ गया उसने वो सिक्का को वापस कर दिया, मगर खाना ने वक्त से वापस नहीं किया, पूरा खाना बांधकर उसे दिया और उसे कहा मेरी एक इल्तिजा है आप मुझे अपने भाइयों से बुला। ठीक है चलो मेरे साथ, किसी को बोलना नहीं खाने में बोलूंगा। गए सारे भाई गार के मुंह में बैठे, गार के मुंह के पास बैठे तो कुत्ता भी बदल ना था। जो अपना हो जाए ना वही तो, वही
نبی تو امت کا خیر ہوتا ہے. توجہ چاہیے. اب ہوا کیا, جب یہ گئے تو سلام کیے, سلام کرنے کے بعد کہا میری ایک التجا ہے, میری ایک گزارش ہے, اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو میں گھر سے واپس آتا. گھر گیا اور اپنے ایک بچے کو جو صرف گوشت کا لوکڑا تھا, کیا تھا؟ گوشت کا لوکڑا. نہ دیکھ سکتا تھا, نہ سن سکتا تھا, نہ چل سکتا تھا, نہ کچھ کر سکتا تھا, ایک گوشت کا لوکڑا اسے اٹھا کر قدموں میں رکھ دیا. فرمایا سرکار اس پر نظر ڈال دی, نظر ڈال دیجیے. میں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو میرے دماغ میں آیا کہ اللہ اس کو نہیں مان سکتا, وہ تو اس وقت معاہد تھا, اسلام والا تھا. بیٹے کو اچھا کر, میں تو قرآن کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں. اصحاب کہف نے بھی یہ نہیں کہا, کیا اصحاب کہف پر کسی کو شک ہے؟ بدماش کیوں کہ پھر بس کیوں نہ شرک کو کبرائی ایسا نہیں کہا. آج کے مولوی کہتے ہیں حضرت کا نام لیتا ہے, حسین کا نام لیتا ہے, آل رسول کا نام لیتا ہے, سب شرک ہے. میرا نام لے وہ شرک نہیں, چندے کی رسید شرک نہیں, ہاں چندے کی رسید شرک نہیں, توبڑا توبڑا وہ سب شرک نہیں. آج تو یہ ہے کوئی اگر 10-20 رومال دے دے تو اس کی تعریف میں ایک جملہ نہیں پوری کتاب لکھ دے, وہ سب شرک نہیں. ہم اگر حسین کی تعریف کرے تو شرک, اور سیاست کی تعریف کرے تو شرک, آگے احمد کی تعریف کرے تو شرک. ارے انہیں بھی سننا سمجھنا چاہیے, کیا رہے تو وہ بڑھتے چلے رہے تو خواجہ ہی نہیں آتا ہے. اگر خواجہ آتے نہیں تو سر پر ٹوپی کیسے چلتی, یہ مدرسے میں دال روٹی کیسے ملتی, یہ جو اونچا پیجامہ پہن کر دھوکا دے رہی ہے سر کیسے ملتا, ان پر بھی خواجہ کا اعلان ہے. چونکہ بھارت میں مکمل طور سے اگر کسی نے سلام لایا ہے تو میرے خبر رکھے گا. سبحان اللہ. اور ایک پردے کی بات بولوں آپ, آپ کو پردے کی بات بولو, ایک کتاب اٹھائیے میں نام بتا دیتا ہوں, ہے نا, پیار سے بتاتا ہوں, چھپاتے کیوں نہیں, چھپنا چھپ گئی تو چھپانا چاہیے. اور روحت المرایا عربی میں کتاب, اور روحت المرایا یہ کتاب کس نے لکھی ہے ان کا بھی نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھیں. آپ جانتے ہوں گے بہت اچھی طرح سے, بہت بہترین طرح سے الحمدللہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہر آدمی کا اللہ ہوگا. اسے دنیا اسماعیل شہید کے نام سے سنا ہے آپ نے, اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجیے گا حضرت, وہ کون تھے اتنا سمجھ لیجیے. ان کی یہ کتاب اس میں یہ لکھا ہے, توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 31 سبے کا کتنے سبے کا کھانٹی باندھ سفر بھی بتا رہے ہو چھٹا سفر نمبر 6 سفا نمبر 31 اب لکھتے ہیں روح المرایا میں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس مدرسے کے چندے کے لیے جائے اور اس سے پیسہ لے تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی ہم میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھا, میں نے کہا مولوی صاحب ہم نے حسین کو یاد کہا کہ آپ نے شرک کہہ دیا, چلو مان لیا. اب آپ مولوی صاحب بتاؤ آپ کے مفتی صاحب نے مفتی آزم مفتی آزم آپ کے جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چندے کی رسید سے بھی پیسہ لینا شرک ہے, جتنے مدرسے کا شرک ہے سارا چندے سے پڑھانے والے سخت مشرک. میں نے کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جن کا فتوا, میں نہیں بول رہا ہوں, میں تو نقل کر رہا ہوں اس بیچارے کی بات کو, نقل کر رہا ہوں اس بیچارے کی بات کو, نقل کر رہا ہوں. اچھا ہی کہہ گئے سب شرک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتاؤ کوئی مدرسہ ایسا ہے جو بغیر چندے کے چلا ہو, چاہے وہ سعودی سے آئے یا انڈیا سے آئے بغیر چندے کے, اور چندے کا حال یہ ہے کہ پورا کتابچہ لکھ کر کے شائع کیا جاتا ہے, پڑھانے اتنا کیا پڑھانے اتنا کیا پڑھانے اتنا کیا پڑھانے اتنا کیا, جتنی مرتبہ لکھا اتنے ہی شرک. اب بتاؤ پہلے اپنے شرک کو دور کرو پھر ہمیں شرک کہنا. ارے ہم تو ہے کسی کے ٹکڑوں پر بنتے اس کا نام زندگی میں نہیں پڑھنے کے بعد بھی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولوں ابھی سو لگوا اٹھا کر کے دیکھو خواجہ صاحب کا ایک سیدھا تھا نالے, ایک
मोची था। कौन था भाई? मोची था। सुनिए जरा, उसे मोची था, वो झूठे सीता था। ठीक है, झूठे सीता था और वो था काफिर। आज जाहिर वो काफिर था, जाहिर वो काफिर था। बहुत सारे काफिर लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खाजा से, हमारे बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। मेरा यकीन है एक ना एक दिन काम हो जाएगा। कोई तालीस से पांच को याद कर रहा है, कोई खा रहे आदम को याद कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं उसे खाजा साहब, बना रखेंगे। मोची मर गए बाबा, तुम भी भक्ति आ रहे काफी। रात गुजरने के बाद दूसरे दिन दौड़े हुए आए सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद, हुजूर हुजूर हुजूर, वो मैं खुद को लगता बाबा को छुट्टी मांगते आ रहे काफी। हजरत बाबा भी देंगे जगह पे क्यों पूछे आए हजरत किया हुजूर, एक इल्तिजा है, गुजारिश है। फरमाया क्या है? मुस्कुरा है कहा हुजूर रात में अजीबो गरीब खाते था। क्या रात में अजीबो गरीब खाते था? खा क्या खाते था? आग ये देखा कि जो मोची मर गया है ना वो सिर्फ जन्नत में नहीं, जन्नत दौर में आपका हाथ पकड़ के टहल रहा। सुभान अल्लाह। आज के मौलवी साहब के पास अगर जाते हजरत, रखे अंडा कमीना मुशरिक को कहता है जन्नती, और वो भी खाजा साहब का नाम ले लिया, कहते ना। क्योंकि आज के आलिम का मामला ये कि मदरसे के आदमी, खानकाह के आलिम नहीं। अगर खानकाह के आलिम होते ना तो और फिक्र करते। दो तरह का होता है, अब जो चाहता हूं पूछो सरकार आला हजरत, उठाओ फटाओ रसूलिया जिंद जाता हूं जब भी जिद फरमाते हैं मैंने दारुल इफ्ता संभाल लिया, इनकी किताबें पढ़ ली, मगर मुझे खतरा लगा हुआ था कि कहीं मेरे इल्म को शैतान चख न ले, इसीलिए मैंने अपने आप को और अपने इल्म की हिफाजत के लिए तमाम रिच से
कहते हैं कुरान से रिक्स है और इस कहते हैं गंदगी को। सबसे बड़ी गंदगी कुफर है। क्या है सबसे बड़ी गंदगी? जब खुदा छोटी गंदगी से आगे रसूल को पाक रखेगा तो कुफर कैसी बड़ी गंदगी में उतरा पड़ेगा? नहीं, वो पाक थे, पाक है, तेरी नजर पाक में अच्छा है। चालू ना तू है मेरी तेरा सब धर्म रूल नारे तकबीर नारे रिसालत मैंने मौलवी साहब को बुलाया, मैंने बुला करके कहा इधर आओ मौलवी साहब, अब खोलो जरा तफसीर की किताब। धर्म आप भी पढ़ते हो, रहमान धर्म पढ़ते हैं। मैं कहा किताब खोला, तफसीरें करके निकाला, सफा निकाल दिया। मैंने कहा पढ़ो लिखो। अब जब वो आया था लोथड़े को लेकर के, तो उन साधो भाई ने कहा का हाथ रख दिया था, बल्कि कहा कि ये गार के अंदर जा, ये गार के अंदर जा, ये सब नोट करने के लिए नहीं मिलेगी कहीं ये बात, और बातें मिल जाएंगी, मतलब ये सब बातें नहीं मिलेंगी। गार के अंदर जा, और जहां हम सात दो भाई 300 साल सोए थे वहां का सात चक्कर लगा। सुभान अल्लाह, क्या लगा? सात चक्कर लगा। अभी कोई मौलवी साहब भी पैदा नहीं हुए, अभी जो है ना बोर्ड भी पैदा नहीं हुए। अच्छी बात है, बिना साबे का आपने उस वक्त देख लिया था कि पहले ही बोल दो, करा दो, वरना कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। सात चक्कर लगाओ, अब जो चाहता हूं सात चक्कर लगाओ। सात चक्कर लगाया, आखिरी में बेटे को रख कहां पे, जहां पर साबे का सोए हुए थे। अभी रख कर अंदर मुड़े थे, आंख जब पड़ी तो देखा कि बेटा खड़ा है असाबे का के पास। सुभान अल्लाह, असाबे का के पास खड़ा है। तोड़ा वो ले पाव ठीक हो, आंख आ गई, हाथ ठीक हो गए, सारी बीमारी खत्म। ये कौन सा मेडिकल था भाई? ये कौन से डॉक्टर थे भाई? ये कौन सी दवा थी भाई? ये कौन सा मसला था? तो पूछने लगे सरकार आखिर ये सब हुआ क्यों? कहा तुमने अंदाज वालों के जगहों को जो साफ में करवा